पंडित प्रदीप मिश्रा यांच्या अमरावती येथील कथेत वाचलेल्या पत्रावरून नवा वाद सुरू असताना पहिल्यांदाच तेल्हारा येथील अर्चना श्रीवास या RRC नेटवर्कच्या कॅमेरासमोर येत त्यांनी मोठा खुलासा केला आहे. त्यांनी हा खुलासा करताना यात पंडित प्रदीप मिश्रा यांची कुठलीही चूक नसून अर्चना यांनी पत्रात चुकीने गर्भपिशवी काढल्याचा उल्लेख केला आणि तो पंडितजी यांनी वाचल्याने सत्य जगासमोर मांडले आहे. RRC रिपोर्टर मुकेश ढोके यांचा विशेष वृत्तांत. एक पत्र अभी हमने पढ़ा, उसमें अर्चना अशोक श्रीवास तेल्हारा जिला अकोला की रहने वाली है. कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं. अर्चना अशोक श्रीवास तेल्हारा जिला अकोला, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है. दिख गई, हाथ हिलाओ. बच्चा लाई है क्या? देखिए लाई है, लिया हो लाई है बच्चा, लाई है तो लिया. एक लाइन इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, कब से खड़ी हूं झोली पर सार भोले बाबा सुन ले पुकार. शिव जी की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, आप लोग पत्र साथ में पढ़ सकते हैं. मेरी शादी को 15 साल हो गए थे, संतान नहीं थी. ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको हमने नहीं दिखाया, मुंबई तक इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ. पहली बार आपकी कथा 2022 में मई के महीने में श्रवण करी. हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव. 2022 में जब कथा सुनना प्रारंभ करी तो पहली बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करें. 15 साल से औलाद नहीं थी, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा. प्रयोग करने के बाद गुरुदेव मेरे पेट में मुझे तकलीफ हुई. हमें लगा कि गर्भ ठहर गया. समय निकला, हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए. उस समय पर मेरे पशुपतिनाथ के व्रत भी चल रहे थे. डॉक्टर के हिसाब से आज तक मेरे गर्भ नहीं ठहरा था, पर डॉक्टर के हिसाब से जब मैंने जांच कराई गर्भ की तो मेरे गर्भ में, मेरे बच्चादानी के अंतर्गत गर्भाशय में एक गठान हो गई. गुरुदेव हमने तो सोचा था कि बच्चा होगा, पर गठान हो गई. गांठ होने के बाद डॉक्टर ने कहा यह गांठ बहुत बड़ी है, इसकी जांच के लिए भी जाएगी और इसका ऑपरेशन भी बहुत जरूरी है. जब गांठ का ऑपरेशन करने लगे तो मेरे पति से कागज पर सिग्नेचर करवा लिया कि इसका जो गर्भाशय है, बच्चा दानी पूरी सड़ चुकी है, इस बच्चे दानी को ही निकालना पड़ेगा. गर्भाशय की बच्चे दानी को निकालना पड़ेगा. मेरे पति की आंख में आंसू आ गए कि बच्चा दानी ही निकल जाएगी तो बच्चा कैसे होगा. परंतु डॉक्टर ने कहा कि इस स्त्री पर बन जाएगी, आपकी पत्नी पर बन जाएगी बच्चादानी, निकलवा. तब बच्चादानी को निकलवा दिया गया, गर्भाशय पूरा बाहर निकाल दिया गया. गुरुदेव अब तो बच्चे होने के चांस भी चलेगा. मैं बाबा के मंदिर में जाकर खूब रोई कि बाबा ये तूने क्या कर दिया. पर आप कहते हो कि भरोसा पूरा रखना, मैंने भरोसा पूरा रखा. 4 महीने बीते, 4 महीने बाद मैं फिर ठीक हुई और बाबा के मंदिर जाने लगी. मेरा गर्भाशय नहीं था, बच्चेदानी नहीं थी, पर शंकर तो शंकर है ना बाबा. मैंने फिर वापिस सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, वापिस मैंने शिव जी की आराधना करी और बाबा की कृपा से बिना बच्चादानी के, बिना गर्भाशय के मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई. ये मेडिकल के अंतर्गत डॉक्टरों के हिसाब से ये नामुमकिन है, पर मेरे बाबा ने मुझे 27 सितंबर 2023 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है. मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए जो 15 साल बाद मुझे दिया. डॉक्टर के हिसाब से गुरुजी जिसकी बच्चेदानी नहीं रहती, जिसका गर्भाशय नहीं रहता, उसे बच्चा नहीं ठहर सकता. ये डॉक्टर के हिसाब से बच्चा नहीं हो सकता, पर मेरे बाबा आप कहते हो ना गुरुदेव,
आपके वचन पर जो भरोसा है वो भरोसे ने निभा दिया और बिना बच्चे दानी और बिना गर्भाशय की भी मुझे औलाद दे दी। ये शिव कृपा, ये शंभु की कृपा। अर्चना, अशोक, श्रीवास, तेलारा गांव, जिला अकोला, मोबाइल नंबर ये शिव कृपा। सहज नहीं तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते स्वास्थ्य तेरी कृपा से करो हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहार शंभुकार कार तू बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भबोत जाना कुबेर का हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शक्ति हारि शंभुकार तू। उस बहन ने पत्र में लिखा डॉक्टर के हिसाब से जिसकी बच्चेदानी नहीं रहती है, जिसका गर्भाशय नहीं रहता, उसका गर्भ नहीं ठहर सकता, ये आश्चर्य कैसे हो गया और बाबा ने मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति। 15 साल के बाद अमरावती येथील कथित पंडित प्रदीप मिश्रा यांनी महिलेने पाठविलेले पत्र वाचले, त्यात त्यांची काही चूक नव्हती। महिलेने पाठविलेले पत्रच पंडित मिश्रा यांनी कथेत वाचले होते, पण ती वास्तविकता नव्हती तर खरी वास्तविकता या महिलेने पहिल्यांदाच आरआरसी नेटवर्कला दिलेल्या मुलाखतीत अगदी स्पष्टपणे सांगितली। या महिलेची पूर्ण मुलाखत आम्ही तुम्हाला दाखवित आहोत। गर्भपिशवी काढली नाही तर गर्भपिशवी जवळची गाठ काढली होती, असा खुलासा महिलेने केला आहे। पंडित प्रदीप मिश्रा यांच्या अमरावती येथील कथेत चुकीने गर्भपिशवी काढल्याचा उल्लेख पत्रात झाला होता, असे तेलारा येथील अर्चना श्रीवास या गृहिणीने स्पष्ट केले आहे। या महिलेची अनकट मुलाखत फक्त आरआरसी नेटवर्कवर आम्ही दाखवित आहोत। नाही, माझी गर्भपिशवी नाही काढली, गर्भपिशवीमध्ये गाठ झालती, ते गाठ काढलेली आहे आणि माझी 2 वेळा गर्भपिशवी धुतली होती, गर्भपिशवी नाही काढली। ते माझ्या ज्यांनी गलतीत मी ते पंडॉल मध्ये चिठ्ठी लिहिली ना, तर गलतीने ते माझ्याच्या लिहिल्या गेल्या अशी, पहिल्यांदा मी गाठीचा उल्लेख केला आणि दुसऱ्यांदा मी काय म्हणते ते गाठ काढली असं न नेता गर्भपिशवी काढली असं लिहिल्या गेल्या अशी गडबडीत चिठ्ठी दिल्या गेली। मला तर 15 दवाखाने मी खूप केले, हे बाळ मला 15 वर्षांनीच झालेलं आहे, परत मी पशुपतीचे व्रत वगैरे केले ते मला आराम पडला होता, मग बाळ झालं म्हणून मी ज्याला पंडॉल मध्ये घेऊन गेलती आणि ते पत्र दिलं तर बाळाला घेऊन गेलती, दुसरं अजून काहीच नाही। You're gonna have the craziest time you ever had in your life. I need you all to make some noise.